नमस्कार, आप देख रहे हैं कमिंग अप न्यूज़। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो अभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहें। अगर पहली सब दुरुस्त नहीं होगी तो आपके पीछे खड़े रहने वाले दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। الحمد لله رب العالمين الرحمن तो ईद की शुभकामनाएं यहाँ देना चाहूँगा, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। बड़े अच्छे से ईद का त्यौहार मने, शुभ अमन शांति से पूरा त्यौहार मनाया जाए, सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم। ईद पे सभी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अभी ईदगाह के जो स्थान पर मैं और सभी अधिकारी, कलेक्टर साहब, नगर निगम कमिश्नर, पुलिस के और प्रशासन के सभी अधिकारी आए हैं। सभी लोगों ने जिनने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी है, सबको मुबारकबाद दी है और मैं सभी को ये संदेश भी देना चाहूँगा अमन और शांति का, जिस प्रकार से नमाज़ में बताया गया है। और सभी हमारे मुस्लिम भाइयों को भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जिस किसी भी साहब की हो यहाँ आ जाए मेंबर के पास। एक बच्ची जिसका नाम आयशा है, एक बच्ची जिसका नाम ईद उल फितर का त्यौहार है और अल्लाह का एहसान है कि ईद उल फितर का वो त्यौहार है कि जिसके लिए अल्लाह ने हुक्म दिया है और वो एक महीने की मेहनत करके आज मुसलमान उस की मस्जिद के अंदर आया है, जिस मस्जिद में अल्लाह ताला ने वादा किया है कि तुझे इनाम दूंगा। और इनाम के लिए वो सारे बंदे इस मस्जिद के अंदर आए हैं कि अल्लाह से इनाम लेना है और अपने रोज़ों को कबूल फरमाना है, अपने गुनाहों को माफ़ फरमाना है। क्योंकि अल्लाह ताला को हुक्म है कि जिसने ईद ये रमज़ान के रोज़े रखे और शव्वाल के 6 रोज़े रखे, गोया कि वो ऐसा हो गया जैसे माँ के पेट से आया हो, बेगुनाह हो। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह से इस बात के लिए कि हमारे अल्लाह गुनाह माफ फरमा दे भी, और साथ ही हम लोगों के अंदर वो खुलूस, वो इत्तेफाक़ पैदा फरमा दे कि जिस तरीके से हम पहले भी रहा करते थे और आने वाले वक्त के अंदर भी अल्लाह ताला हम उसी तरीके।